हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल इंग्लिश ऑनर्स हब। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज की वीडियो में हम सेमेस्टर 5 के डीएससी 14 20th सेंचुरी नोवेल स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसकी पहली नोवेल है हर्ट ऑफ डार्कनेस, जिसको लिखा है जोसेफ कॉन्ड्रेड ने। तो आइए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अबाउट द ऑथर से। तो जोसेफ कॉन्ड्रेड जो है एक पॉलिश राइटर है और इन्होंने पॉलिटिकल ट्रबल्स बहुत सारे फेस किए हैं अपनी अर्ली लाइफ में। ये 11 साल की उम्र में ही ऑर्फन हो गए थे और इन्होंने फ्रेंच मर्चेंट नेवी ज्वाइन की थी 1874 में, और बाद में इन्होंने ब्रिटिश मर्चेंट नेवी ज्वाइन कर ली थी। और इनके जो एक्सपीरियंसेस हैं सी के, और यही जो है इनकी राइटिंग को इन्फ्लुएंस करता है। ये इंग्लिश में भी लिखते हैं, पॉलिश में भी लिखते हैं और फ्रेंच में भी लिखते हैं। इनकी जो बुक्स हैं वो आज भी पढ़ी जाती है इनकी डीप थीम्स एंड स्टोरी टेलिंग की वजह से। इनके कुछ मेजर वर्क्स हैं जैसे कि हर्ट ऑफ डार्कनेस, लॉर्ड जिम, नॉस्ट्रोमो और द सीक्रेट एजेंट। सो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी नोवेल हर्ट ऑफ डार्कनेस बाय जोसेफ कॉन्ड्रेड। इसके 3 पार्ट हैं, सो पार्ट 1 स्टार्ट करते हैं। तो इस कहानी की शुरुआत होती है एक शिप से, जिस शिप का नाम है नीली। ये जो शिप है ये थेम्स रिवर के वहाँ पे खड़ी है, जो कि इंग्लैंड में है थेम्स रिवर। और ये जो शिप है ये टाइड के रुकने का इंतज़ार कर रही है। तो इस शिप के अंदर नरेटर हैं, जो कि एक गेस्ट है शिप पे। और जो नरेटर है वो थेम्स और यहाँ के जो इस शिप पे जो लोग हैं उनके बारे में हमें कुछ बताते हैं। इस शिप पे और भी लोग हैं, जैसे कि द डायरेक्टर ऑफ कंपनीज, जो कि कैप्टन भी है, और इनको सब बहुत ही प्यार करते हैं, मानते हैं। और फिर दूसरे हैं लॉयर, जो कि काफ़ी ओल्ड हैं एंड वर्च्यूज से भरे हैं। फिर है अकाउंटेंट, जो कि डोमिनोज़ के साथ खेल रहे हैं, यानी कि डोमिनोज़ एक तरह का गेम होता है, वो खेल रहे हैं। और ये सब लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं एंड एक बॉन्ड शेयर कर रहे हैं। एक और व्यक्ति है शिप पे जिसका नाम है मार्लो। मार्लो मेन करेक्टर है इस स्टोरी का, और ये एक बहुत ही पतला दुबला सा आदमी है, एकदम बीमार जैसा दिख रहा है। और इसके जो गाल है वो अंदर बहुत मतलब धंसे हुए हैं, ऐसे कह सकते हैं। और इनकी येलो स्किन है, मतलब बहुत बीमार टाइप का लग रहा है। तो शिप रुकी हुई है और कोई भी डोमिनोज़ खेलना नहीं चाहता है, सब लोग बस आराम से बैठे हुए हैं और सनसेट को देख रहे हैं। तो जो मार्लो है वो चुप्पी तोड़ते हुए कुछ कहते हैं, अपने पास्ट के बारे में बताते हैं, और कहते हैं कि वो एक वेंडरर है। वेंडरर यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो कि बहुत ज़्यादा घूमता रहता है और अलग अलग प्लेसेस को एक्सप्लोर करता है। तो फिर मार्लो वो अपनी कहानी बताना शुरू करता है। वो कहता है कि जब वो यंग था तो वो एक कॉन्गो नाम की जगह पे गया था। कॉन्गो नाम की जगह पे जब वो गया तो उसको वहाँ पे एक जॉब मिल गई थी एक कंपनी में, जिस कंपनी का काम था आइवरी का ट्रेड करना। आइवरी यानी हाथी के दांत, उसका ये ट्रेड करती थी कंपनी। एंड ये जो जॉब मिली थी मार्लोव को, वो उसकी एक आंट के ज़रिए मिली थी। तो जब वो वहाँ पे गया तो उसने देखा यहाँ पे बहुत टूटी फूटी मशीनें हैं, लोग बहुत पतले दुबले से हैं, और उसने देखा कि जो ब्लैक पीपल है जो कि अफ्रीका से यहाँ पे लाए गए हैं, उनके साथ बहुत ही इंडिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, बहुत ही बुरी तरीके से उनसे काम करवाया जा रहा है। इतना ज़्यादा उनके साथ दुर्व्यवहार हो रहा है कि वो मतलब उनकी हालत बिल्कुल मरने जैसी हो गई है। तो वहाँ पे वो एक बिस्किट का पैकेट देता है एक भूखे लड़के को, और वहाँ पे मार्लो फिर एक वेल ड्रेस वाइट मैन से मिलता है जिसका नाम था चीफ अकाउंटेंट। सो चीफ अकाउंटेंट से मिलने के बाद वो 10 दिन वहाँ पे रहता है। आउटर स्टेशन में मार्लो रुका हुआ है। सो ये जो जगह है, जो कंपनी है, इन्होंने बहुत सारी स्टेशंस बना रखे हैं जिससे कि ट्रेड आसानी से हो सके। सो यहाँ पे कॉन्गो में 3 स्टेशंस हैं, एक है आउटर स्टेशन, दूसरा है सेंट्रल स्टेशन एंड तीसरा है इनर स्टेशन। सो जो मार्लो है वो आउटर स्टेशन पे आके रुकता है और आउटर स्टेशन को लीड करता है चीफ अकाउंटेंट। तो चीफ अकाउंटेंट से मार्लोव को एक आदमी के बारे में पता लगता है जिसका नाम है कुट्स। तो जो ये कुट्स है वो इनर स्टेशन को लीड करता है,
और कर्ड्स का काफ़ी नाम चलता है कॉन्गो में, मतलब ये बहुत ही पावरफुल टाइप का बंदा है। और मार्लो फिर सोचता है कि वो इससे मिलने जाए, तो वो अपनी जर्नी स्टार्ट करता है और अंदर जाता है जंगलों में। मतलब आउटर स्टेशन से जब हम अंदर और जंगलों में जाते रहते हैं तो पहले सेंट्रल स्टेशन आता है, देन अगर और हम अंदर जाते हैं जंगलों में तो इनर स्टेशन आता है। सो वो अपनी जर्नी शुरू कर देता है और सेंट्रल स्टेशन पहुंचता है। सेंट्रल स्टेशन पे मार्लोव को जनरल मैनेजर मिलता है, जनरल मैनेजर जो कि सेंट्रल स्टेशन को लीड करता है। और जनरल मैनेजर काफ़ी बेकार किस्म का आदमी है और मतलब ये अपने फ़ायदे के लिए कुछ भी कर सकता है। तो मार्लोव को एक र्यूमर के बारे में पता लगता है कि कर्ट्स की जो तबीयत है वो थोड़ी ख़राब हो गई है और मार्लोव की जो बोट है वो डैमेज हो चुकी है, जिसकी वजह से उसकी जो जर्नी है उसमें डिले आ जाएगा। तो मार्लोव वहीं पे रुकता है सेंट्रल स्टेशन पे और अपनी बोट को सही करवाने की कोशिश करता है जल्द से जल्द। तो वहाँ पे जब वो कुछ दिन रहता है तो वहाँ पे वो काफ़ी टाइम अक्सर सुनता रहता है कि लोग आपस में आइवरी के बारे में बात करते रहते हैं और उसे लोगों से पता लगता है कर्ट्स के बारे में कि कर्ट्स जो है वो लोगों का एडवांटेज लेता है। और वहाँ पे उसको एक मैनेजर का एक जासूस मिलता है जिससे मार्लोव की एक दोस्ती हो जाती है बहुत ज़्यादा। और एजेंट के पास एक स्केच होता है जो कर्ट्स ने बनाया होता है, जिस स्केच पे एक वुमेन बनी रहती है ब्लाइंड फोल्डेड, जिसके हाथ में टॉर्च है और ये कर्ट्स ने बनाया है। और उस मैनेजर से उस पता चलता है, मैनेजर के स्पाई से पता लगता है कि जो कर्ट्स है वो काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड बंदा है और मतलब ये 10 लोगों का काम अकेले कर सकता है, इसको साइंस में बहुत इंटरेस्ट है और ये काफ़ी इनोवेटिव है। फिर उसके बाद मार्लोव जो है वो एजेंट की बातों से थोड़ा बोर हो जाता है तो वो फोकस करता है कि उसकी जो बोट है वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए और वो अपनी जर्नी कंटिन्यू कर सके। तो वो मैकेनिक्स वगैरह लेके आता है, रिविट्स ढूंढता है, रिविट्स यानी कुछ फास्टनर्स होते हैं वो मशीन को खोलने के लिए, शिप को खोलने के लिए, तो वो सब टूल्स वगैरह लेके आता है और अपनी बोट सही करता है। बोट सही होने के बाद वो अपनी जर्नी पे फिर से निकल जाता है। अब है पार्ट टू में, जब एक दिन जो मार्लोव कन्वर्सेशन सुनता है मैनेजर और उसके अंकल के बीच में, अंकल जो कि लीडर है एक्सपेडिशन ग्रुप के, तो ये दोनों बातें कर रहे हैं कर्ट्स के बारे में ये बातें कर रहे हैं कि कर्ट्स यार इतना टैलेंटेड बंदा है, 10 लोगों का काम अकेले कर लेता है, तो और इस कर्ट्स की वजह से कंपनी को भी बहुत फ़ायदा होता है, तो ऐसा ना हो कि हमें कंपनी से निकाल दिया जाए और कर्ट्स को ही मतलब कंपनी का राजा टाइप बना दिया जाए, इसी को सारी पावर मिल जाए। तो ये लोग सोचते हैं कि हम या तो कर्ट्स को रास्ते से हटा दें या फिर उसके असिस्टेंट को, तभी कंपटीशन हमारा कम हो सकता है। तो ये लोग बातें कर रहे हैं ऐसे ही, तो जब इनको मतलब ऐसे रियलाइज़ होता है कि मार्लोव सुन रहा है हमारी बातें, तो फिर वो बात करना बंद कर देते हैं। फिर उसके बाद जब वो कर्ट्स के स्टेशन के पास पहुंचने वाले होते हैं, अपनी जर्नी वो कवर कर रहे हैं, तो मार्लोव काफ़ी एक्साइटेड है कर्ट्स को मिलने के लिए क्योंकि उसने बहुत सारी बातें सुनी है लोगों से उसके बारे में। तो मार्लोव के साथ काफ़ी सारे लोग भी आए हैं, कुछ पिलग्रिम्स भी है, मैनेजर भी है, कैनिबल्स भी हैं, बहुत सारे लोग आए हैं। जैसे जैसे वो अंदर इनर स्टेशन की तरफ बढ़ते हैं, जंगल काफ़ी घना होते जा रहा है और अर्थ काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंज एंड स्केरी लग रही है। तो जब 8 miles दूर होते हैं कर्ट्स के स्टेशन से, तो मैनेजर डिसाइड करता है कि हम रात को रुक जाते हैं, सुबह चलेंगे। तो सुबह में वो काफ़ी ज़्यादा डरावनी नॉइसेस सुनते हैं और सबको लगता है कि यहाँ अटैक होने वाला है, बट मार्लोव कहता है कि यहाँ पे कोई अटैक नहीं होगा क्योंकि यहाँ सिर्फ जंगल है और फॉग है, बट कोई उसकी बात का भरोसा नहीं करता है। और जो बाकी ने सोचा था वही होता है, कुछ अटैकर्स जो है इन पे अटैक कर देते हैं, अफ्रीकन नेटिव्स जो होते हैं यहाँ के, वो इन पे अटैक कर देते हैं, इन पे
एरोज़ फेंकना शुरू कर देते हैं, फायरिंग शुरू हो जाती है। यहाँ पे एक ब्लैक आदमी की डेथ हो जाती है मार्लो के फीट के पास, एंड बहुत सारी मतलब ऐसे लड़ाई टाइप होती है। देन इस बैटल के अंदर मार्लो का एक आदमी हेल्प्समैन की डेथ हो जाती है, और फिर इसकी बॉडी को ये ओवरबोर्ड फेंक देते हैं, और सिंपल फ्यूनरल के बाद ये अपनी जर्नी कंटिन्यू करते हैं। फाइनली उन्हें कर्ट्स का स्टेशन दिखता है और वहाँ पे वो पहुँचते हैं। वहाँ पहुँचने के बाद मार्लोव को एक रशियन ट्रेडर मिलता है, रशियन ट्रेडर से बातचीत होती है तो पता लगता है कि कर्ट्स काफ़ी बीमार है, एंड फिर पार्ट 3 शुरू होता है। तो मार्लोव रशियन ट्रेडर से कुछ अकेले में बातचीत करता है, उनसे काफ़ी सारी बातें करता है। तो बातें करने के बाद पता लगता है कि जो कर्ट्स है उसका काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस है लोकल ट्राइब के ऊपर, और जो लोग हैं यहाँ के वो कर्ट्स की बात नहीं टालते हैं। कर्ट्स एक तरह का भगवान है इन लोगों के लिए, और रशियन ट्रेडर जो है वो काफ़ी एडमायर भी करता है कर्ट्स को। कर्ट्स काफ़ी ज़्यादा बीमार है और वो स्ट्रेचर पे लेटा हुआ है। वहाँ की जो नेटिव्स हैं वो इसके आसपास जमा हो रखे हैं, तो कर्ट्स उनको इशारा करता है कि यहाँ से चले जाओ, तो सब लोग चले जाते हैं। फिर कर्ट्स से मार्लो मिलता है और कर्ट्स कहता है कि तुमसे मिलके बहुत अच्छा लगा। फिर उसके बाद मैनेजर और कर्ट्स की कुछ बातें होती है प्राइवेटली, एंड देन मार्लो फिर वहाँ पे एक ब्यूटीफुल सी वुमेन को देखता है और वो बहुत गुस्से में लग रही थी, और अचानक से वो गायब हो जाती है जंगलों में। रशियन काफ़ी अफ्रेड है उस वुमेन से। मैनेजर मार्लो को कहता है कि उसने काफ़ी कुछ किया है कर्ट्स के लिए, एंड कर्ट्स ने कंपनी के लिए अच्छे से ज़्यादा बुरा ही किया है। मार्लो इस बात से डिसएग्री करता है, बोलता है कि कर्ट्स एक अच्छा बंदा लगता है। उसके बाद उनकी ये बात होती है, तो रशियन उसको बताता है कि जो बोट पे अटैक हुआ था वो कर्ट्स ने ही ऑर्डर दिया था, क्योंकि कर्ट्स ये चाहता था कि लोगों को लगे कि कर्ट्स मर चुका है और जो बोट के लोग हैं वो आधे रास्ते से ही वहाँ से चले जाएं। उस रात मार्लो ड्रम बीट्स एंड चैंट्स की आवाज़ सुनता है, वो कर्ट्स को देखने जाता है। वो वहाँ देखता है कि वो मिसिंग है, तो वो उसे ढूंढते ढूंढते जाता है, और फिर ढूंढने के बाद कर्ट्स उसे बोलता है कि मुझे अकेला छोड़ दो, बट मार्लो उसे कन्विंस करता है कि वापस कैबिन में चलो। तो अगले दिन शिप लीव करती है, और जो नेटिव्स हैं वो भीड़ इकट्ठा करके ये देख रहे हैं कर्ट्स को, क्योंकि कर्ट्स को एक भगवान टाइप मानते हैं। कर्ट्स को फिर पायलट हाउस में ले जाया जाता है। मार्लो को रियलाइज़ होता है कि कर्ट्स की लाइफ जो है वो ख़त्म हो रही है, वो मरने ही वाला है। तो मार्लो जो है कर्ट्स के आखिरी शब्द सुनता है, और जो कर्ट्स है वो कुछ पेपर्स एंड फोटोग्राफ देता है मार्लो को रखने के लिए, और बोलता है कि इसे मैनेजर से दूर ही रखना। तो कर्ट्स से जो है मरते मरते आखिरी शब्द कहता है द हॉरर द हॉरर, एंड वो मर जाता है। मार्लो जो है फिर जैसे तैसे यूरोप वापस पहुंचता है कर्ट्स की मेमोरी के साथ, पेनफुल मेमोरीज़ के साथ। और फिर मैनेजर जो है वो मार्लो से पेपर्स मांगता है जो कर्ट्स ने उसे दिए थे। तो मार्लो उसे टेक्निकल पेपर्स तो दे देता है, लेकिन जो उसके प्राइवेट लेटर्स एंड फ़ोटो थी वो नहीं देता है, वो अपने पास ही रख लेता है। उस फ़ोटो में जो लड़की थी उस लड़की से मिलने जाता है मार्लो, और वो लड़की जो थी कर्ट्स की लवर थी, और वो एक साल से मतलब रो रही है उसके डेथ की वजह से। एंड मार्लो उनसे मिलता है और वो काफ़ी ज़्यादा दुखी है। तो जो लवर है वो पूछती है कि कर्ट्स के लास्ट वर्ड क्या थे, तो मार्लो जो है वो झूठ बोल देता है। वो बोलता है कि कर्ट्स के लास्ट वर्ड उसका ही नाम था, उसकी लवर का ही नाम था। तो ये सुन के उसकी जो लवर है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब खुशी के मारे काफ़ी ज़्यादा रोने लगती है। मार्लो जो है उसको सच नहीं बता पाया, क्योंकि अगर वो सच बताता तो वो काफ़ी ज़्यादा पेनफुल होता उसके लिए। वो वैसे ही बहुत ज़्यादा दुखी है एक साल से। तो फिर बाद में कहानी ख़त्म हो जाती है, एंड थेम्स रिवर में वापस आ जाते हैं। एंड जो मार्लो है वो कहता है कि ये जो रिवर है ये हमें हार्ट ऑफ डार्कनेस की तरफ ले जाती है। अब हम थीम्स
देखते हैं। पहली थीम है क्वेस्ट फॉर ट्रुथ एंड आइडेंटिटी। तो इस नोवेल के ज़रिए लैक ऑफ ट्रुथ दिखाया गया है। एक तरफ जो कर्ट्स है वो लोगों को ये कहता है, प्रिटेंड करता है कि वो लोगों का सिविलाइज करना चाहता है, उन्हें काम दिलाना चाहता है, लेकिन ऐसा नहीं था। वो आइवरी की ट्रेडिंग करके खुद ही पैसे बनाना चाहता था और एक बड़ा आदमी बनना चाहता था, और लोगों को वो एक्सप्लॉइट करता था, जो ब्लैक अफ्रीकन्स थे उन्हें एक्सप्लॉइट करता था। और दूसरा लैक ऑफ ट्रुथ यहाँ पे ये है कि लास्ट में जो मार्लोव है उसने कर्ट्स की फियांसे से बोला था कि जो लास्ट वर्ड्स थे वो उसका ही नाम थे, तो यहाँ पे भी एक लैक ऑफ ट्रुथ है। दूसरी है द सर्च फॉर द मीनिंग। तो मार्लोव की जर्नी जो है वो, मतलब मार्लोव की जर्नी से उसे मतलब पता लगता है इस जगह कॉन्गो के वर्ल्ड के बारे में, कॉन्गो के लोगों के बारे में, और यहाँ पे क्या सब चलता है, अफ्रीकन्स को एक्सप्लॉइट किया जाता है, ये सब उसे पता लगता है। थर्ड, मैडनेस एंड इंसेनिटी। सो यहाँ पे कोलोनाइजेशन दिखाया गया है कर्ट्स के कैरेक्टर के ज़रिए, कि कर्ट्स काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लॉइट करता है अफ्रीकन्स को, उनसे बहुत ज़्यादा काम करवाता है अपने ही फ़ायदे के लिए, और प्रिटेंड करता है कि वो उनके लिए अच्छा काम कर रहा है, और वो अफ्रीकन्स को बहुत बुरी तरह से करप्ट करता है। सो यहीं पे हमारी वीडियो ख़त्म होती है। आई होप आपको सब समझ आया हो। ये नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करें बिना ना जाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय।